नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। ये तो हम सब जानते ही हैं कि चुनाव बस होने ही वाले हैं, बल्कि कई राज्यों में तो चुनाव हो भी रहे हैं और हो चुके हैं। तो चुनाव के इस समय के दौरान आम लोगों को शराब और पैसे बांटे जाना बहुत छोटी सी बात है। हालांकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त रहती है इन दिनों, फिर भी पैसे और शराब आम लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं। अब इस बात पर मोहर लगाते हुए एक और वीडियो सामने आया है महाराजपुर से। यहाँ चुनावी दिनों के बीच पैसे का लेन देन और अवैध शराब का खेल से बचने के लिए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा तेज हो गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये थाना महाराजपुर की एक चौराहे पर लगी चेकिंग का है, जहाँ पर पुलिस व निर्वाचन आयोग अधिकारियों ने एक कार में तकरीबन 1.5 लाख के सिक्के बरामद किए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, पकड़े गए आरोपी की गाड़ी की डिक्की में कई सिक्कों से भरे बोरे रखे हुए हैं, और इस आदमी को खुद भी कहते हुए सुना जा सकता है कि एक बोरे में 30,000 रुपए के सिक्के हैं। अब सभी अधिकारी सिक्कों को बरामद करने के बाद इस आदमी से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि ये अधिकारी बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतते हुए पूरी सख्ताई से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये सिक्के है किसके। अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनिरुद्ध ठाकुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।